आप देख रहे हैं सत्य खबर। दबाइए ये सब्सक्राइब का बटन और पाइए देश प्रदेश की हर खबर। अखिल भारतीय व्यापार मंडल के राष्ट्रीय महासचिव और हरियाणा प्रदेश व्यापार मंडल के प्रांतीय अध्यक्ष बजरंग दास गर्ग ने कहा कि जाट आरक्षण संघर्ष समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष यशपाल मलिक ने हरियाणा के मंत्रियों पर साजिश के तहत मुख्यमंत्री बनने की चाहत में हरियाणा प्रदेश को जलाने का आरोप लगाया है। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि एक मंत्री ने रोहतक में धरना शुरू करवाया और दूसरे मंत्री ने शादी समारोह में सार्वजनिक रूप से कहा था कि भाई अपनी सरकार नहीं है, इसीलिए हो हल्ला करते रहना है। लिहाजा इस पूरे मामले के केंद्र सरकार को सुप्रीम कोर्ट से रिटायर किसी भी जज से उच्च स्तरीय जांच करानी चाहिए ताकि सारी सच्चाई जनता के सामने आ सके। जबकि पिछले दिनों हरियाणा जलने से प्रदेश के व्यापारी व उद्योगपतियों को करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ था और अनेक निर्दोष लोगों की जान भी गई थी। जबकि 36 बिरादरी के भाई एकजुट होकर प्रदेश व देश में व्यापार कर रहे हैं। जाट आरक्षण संघर्ष समिति के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष यशपाल मलिक ने जो बयान दिया है कि हरियाणा के कुछ मंत्रियों द्वारा हरियाणा को जलाने का काम किया है, ये आरोप यशपाल मलिक ने लगाए हैं। मेरी केंद्र सरकार से मांग है, यशपाल मलिक ने जो भी आरोप लगाए हैं उसकी सीबीआई से और सुप्रीम कोर्ट के रिटायर जो भी जज है किसी भी जज से इसकी उच्च स्तरीय जांच कराई जाए, क्योंकि हरियाणा जो है ऐसा प्रदेश है, यहाँ 36 बरादरी का आपसी भाईचारा है। जब हरियाणा जला जिसके अंदर करोड़ों अरबों रुपए का नुकसान प्रदेश के व्यापारी उद्योगपतियों का हुआ है और अनेकों जाने उस आंदोलन में गई है, मेरी प्रदेश की जनता से अपील है, कुछ राजनीतिक लोग अपनी रोटियां सेकने के लिए भाईचारा खराब करने में तुले हुए हैं। प्रांतीय अध्यक्ष बजरंग दास गर्ग ने कहा कि भारत एक ऐसा देश है जहां पर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई और एक छत के नीचे रह रहे हैं और हरियाणा में बहुत बढ़िया आपसी भाईचारा है और 36 बिरादरी के लोग यहां एकजुट होकर रहते हैं, लेकिन कुछ लोग राजनीतिक स्वार्थ के चलते और वोट बैंक की सियासत के चलते इन सबको आपस में लड़वाने पर तुले हुए हैं। हरियाणा ऐसा प्रदेश है जहाँ हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई एक छत के नीचे रह रहे हैं और 36 बिरादरी के मिलजुल कर आपसी में काम कर रहे हैं, यहाँ तक कि किसान और व्यापारी का चोली दामन का साथ है। हमें आपसी भाईचारा बनाने की मैंने पूरे प्रदेश की जनता से, 36 बिरादरी से अपील है और केंद्र सरकार से मांग है, यशपाल मलिक ने जो बयान दिया है उसकी उच्च स्तरीय जांच करवाई जाए ताकि पता लगे हरियाणा को जलाने में किसका हाथ है, ताकि आगे भविष्य में इस प्रकार की घिनौनी हरकत हरियाणा में ना हो, ये जरूरी है। ऐसे में बजरंग दास गर्ग ने प्रदेश की जनता से आपसी भाईचारा बनाए रखने की अपील की है ताकि जो लोग प्रदेश में आपसी भाईचारा खराब करना चाहते हैं उनसे प्रदेश के हित में दूर रहने की जरूरत है। हिसार से विनोद सैनी की रिपोर्ट। आप देख रहे हैं सत्य खबर। दबाइए ये सब्सक्राइब का बटन और पाइए देश प्रदेश की हर खबर।